हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज हम आए हुए हैं अपनी सब्जी मंडी में, जहां पर बीना जो है आज शॉपिंग कर रही है सब्जी की। ये रही बीना जी, जो आज बीना कर रही है सब्जी की पूरी खरीदारी। बैग उनके हाथ में, पूरा दारमदार उनके हाथों में, मंडी में टहलते टहलते। आज बीना लेंगी सारी सब्जियां, टमाटर भी खुद छांटेंगे आज। थैले में ऑलरेडी ये प्याज ले चुकी हैं, जो कि आज 40 रुपए किलो था। अब आई टमाटर की बारी। और क्या क्या सब्जियां हैं, लौकी है, गोभी है, करेले हैं, शिमला मिर्च है, बैंगन है, तुरई है, और इनके टमाटर छट रहे हैं। हमारी मंडी का आलम पीला काट दे रहा भैया। लौकी घर में दो हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ले लो। भिंडी गए जी 30 रुपए किलो चल रही थी, 40 हो गई। और करेले अब बीना जी और देख रही हैं सब्जी में क्या क्या है, क्योंकि सब्जी तो काफी महंगी हो रही है। पूछ क्या रेट है। तुरई लेनी, तुरई दे दूंगा, 1 किलो दे दो। अगर मीठे नहीं निकले तो 15 लाख खाते में। मीठे नहीं निकलेंगे तभी तो करेंगे। 15 लाख खाते में है। रेट क्या इनका देख रहे हो भाई साहब, 15 लाख का ऑफर है। 60 रुपए में 15 लाख का ऑफर दे रहे हैं। अगर मीठे ना निकले तो 15 लाख खाते में। इन्होंने भी ले लिया है 15 लाख वाला सेब ले लिया है। मीठा नहीं निकलेगा तो 15 लाख रुपए अकाउंट में पक्का। ये भाई 15 लाख नहीं तो पैसे तो बाकी दूंगा, अगर मीठा नहीं निकले। 15 लाख तो खैर मोदी ने कह दी, उसने भी नहीं दी। पर पैसे खुल जा रहा कहने। और बिना आगे सब्जी मंडी का पूरा मुआयना ले रही हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आज पूरी सब्जी मंडी का दारमदार बिना के कंधों पर, अदरक पर पहुंच गई हैं, जो इन्हें महंगा लगा ये आगे बढ़ चुकी हैं। क्या लिया है, गोभी वाला, भिंडी वाला, गोभी वाला, गोभी वाला, क्या रेट है भैया? गोभी गोभी 50 रुपए है। और वो करेला 30 रुपए करेला है। किस में करेला? पतले पतले, मोटे में माल भरा होता है। भिंडी वाला, गोभी वाला, खेती वाला, काले वाला। अरे भैया चलो बच गए। तो गाइज हमारी शॉपिंग जो है सब्जी की हो चुकी है, और मैडम आज पूरा दारमदार समेटे समेटे जा रही हैं। तो कैसा लगा आपको, खुद छांट के कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। अब फटाफट जा रहे हैं यहाँ से हम। चलो चलो चलती रहो। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, ये हमने यहाँ पार्क करी थी। और आज पूरी की पूरी शॉपिंग भैया बड़ी खुशी की बात है कि बीना मैडम ने करी है, बड़ी खुश हैं ये। हाँ, धन्नों के ऊपर एकदम आके बैठ चुकी हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो एक आध सामान और लेना है अभी। पूरी सब्जी मम्मी ले ली थी, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लेना है मम्मी के लिए भी। तो गाइस मिलते हैं आपका वहाँ पे का जाम फ्रूट्स लेंगे। ठीक है।
समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एकदम, आप देख सकते हैं सभी लोग ऑफिस वाले घर और साग सब्जी वाले निकल रहे हैं सभी लोग। तो हमारा भी सफ़र चल रहा आगे की ओर, इसलिए रॉन्ग साइड वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं। सुबह इस समय मौसमी चाहिए थी तो हमने मौसमी ले ली है, और ये है जूस वाले भैया, और ये है नारियल, डेकोरेशन की रखी हुई है ऐसी। तो मौसमी छाटते हैं मिस्टर जोशी जी, बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे से लेना, टाइट टाइट लेना, तो जा टाइट भी नहीं ठीक ठाक से। आ चुके हैं सब्जी लेके मंडी से, तो मैंने सबको खाना पीना भी खिला दिया है, और अब मेरा काम है लास्ट ये कि अब मैं सारी सब्जियों को निकाल दूंगी, इनको आराम से धो के उनके बाद थोड़ा सा इनको पंखे के नीचे रखूंगी ताकि इनका पानी थोड़ा सा निकल जाएगा, और उसके बाद मैं इनको फ्रिज में डेकोरेट करके रख दूंगी, डेकोरेट मतलब रख दूंगी फ्रिज में। तो एक एक करके सारी सब्जियों को हम धोते हैं, तो ये मैं लेके आई थी। लाख की गारंटी हमें दे रहे थे, यानी कि आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा मीठे हैं एकदम से, और मिठाई की तरह चीनी की तरह मीठे बोल रहा था, और अगर नहीं हुए तो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हम हैंड टू हैंड करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो अभी तो फिलहाल इनको धो ली, तो गाइस बिना की सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, अभी ये रखेगी इनको फ्रिज में। अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।